नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक बार फिर मूकनायक मीडिया के चैनल पे आपके लिए हम 200 पॉइंट रोस्टर का एक अगला जो एपिसोड है, अगला जो कदम है, अगला जो पड़ाव है वो लेकर के आए हैं। और जैसा कि कल और उससे दो दिन पहले जो दो प्रेजेंटेशंस हुए थे, दो एपिसोड आए थे, उसमें कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हमें फीडबैक्स मिले और फीडबैक्स में आपने ये जानने का आग्रह किया कि हमें ये बताया जाए कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी ज़रूरत जो होती है वो कैसे कैसे उनको एडजस्ट करते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके हम जो तीसरा जो एपिसोड लाए हैं उसमें आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे पोस्टों को क्लब करते हैं और उससे जुड़े हुए जो भी जो तकनीकी जो पहलू हैं, जो भी तकनीकी जो आस्पेक्ट हैं, उन सारे आस्पेक्ट पे, उन सारे पहलुओं पर, उन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि आपकी जो जो क्वेरीज हैं वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से या मूकनायक मीडिया और आलोकन अकेडमी के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करके और आप उसमें जो है अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 200 पॉइंट जो रोस्टर है वो सामाजिक न्याय की दृष्टि से, उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक न्याय की दृष्टि से, केंद्र और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में, मंत्रालयों में जो पद हैं उनको एक रोस्टर में वैज्ञानिक तरीके से समायोजित करने की दृष्टि से, उनको वैज्ञानिक तरीके से संधारित करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है 200 पॉइंट रोस्टर। 200 पॉइंट रोस्टर के बारे में मैंने आपको पिछली दो क्लासेज में, दो एपिसोड में, दो लेक्चर्स में आपको बताने की कोशिश की, उससे जो जुड़े हुए उसके तकनीकी जो पक्ष हैं उनके बारे में। आज मैं आपके सामने जो बात करूँगा, आप देखे समझ रहे होंगे जो हमारा जो आज का जो टाइटल है, इस टाइटल में जो है हमने सीधे जो है आपकी जो क्वेरीज है उन क्वेरीज के आधार पर सीधे सीधे हमने इसको वही टाइटल दिया है कि 200 पॉइंट रोस्टर जो है उस रजिस्टर में ए टू जेड मीन्स सारी जो चीज़ें हैं उनको कैसे एक साथ देख सकते हैं और उसमें जो 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 क्वेरीज आई है या जो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेज आए हैं, फेसबुक पे और आलोकन अकेडमी के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर जो आए हैं, उन सब के आधार पर मैंने ये तीसरा एपिसोड, तीसरा क्लास आप लोगों के लिए आयोजित किया है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि 200 पॉइंट जो रोस्टर है वो 200 पॉइंट रोस्टर में ए टू जेड मीन्स शुरू से आखिर तक पूरा का पूरा एक समग्र रूप में उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे उसके बारे में हम और अधिक जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपने इधर एक पोस्टर देखेंगे, ये पोस्टर जो है जब 200 पॉइंट रोस्टर को ख़त्म करने की जो कोशिश की गई थी उस दौरान दिल्ली में जो यूजीसी और एमएचआरडी के ऊपर जो प्रदर्शन हुए थे उन्हीं को मैंने एक फ़ोटोग्राफ के रूप में आपके लिए इस्तेमाल किया है। तो ये अपने आप में जो है अपनी कहानी पूरी जो 200 पॉइंट रोस्टर है उसकी कहानी को बखूबी बयान करता है, बखूबी आप लोगों को समझाता है, बखूबी आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वाकई जो 200 पॉइंट रोस्टर है वो क्यों आया और इससे पहले के जो रोस्टर थे उसमें कितनी खामियां थी। पर जो मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख की जो बात लगती है कि जो हमारा जो आरक्षित जो तबका है, आरक्षित जो वर्ग है, रिजर्व कैटेगरीज हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, वीमेंस, ईडब्ल्यूएस, सब के सब जो हैं वो वस्तुतः जो है वो सोए हुए हैं और उनको अपनी नींद से तो जगना होगा, तंद्रा उनकी तोड़नी होगी। मैं आपको एक बात और जो मैंने महसूस की पिछले दो तीन दिनों में या जब से मैं इसको जो आपके सामने लेकर के आया हूँ उसमें आप ये ना सोचें कि आप केवल इसके जो रिजर्व कैटेगरीज के जो लोग हैं ये उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है, ये उन ओपन कैटेगरीज के लिए भी फ़ायदेमंद है जो इस व्यवस्था को, जो संविधान की जो रेस्पेक्ट करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए, सम्मान के
संविधान के जो संरक्षण है उसकी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, उनके लिए भी ये जो सारे के सारे जो क्लासेज हैं या जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत काम के हैं। पर वस्तुतः ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे नहीं है कि वो लोग उसको सकारात्मक रूप में ले रहे हैं, वो कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे हम जैसे लोगों को रात दिन जो गाली देते रहते हैं वो तो एक स्वभाव उनका बन गया है। हमारा स्वभाव जो है एक समाज हित में एक सामाजिक न्याय की जो पक्षधर होने के नाते वो सुनने की आदत पड़ गई है, पर उनका शायद आपकी सेहत पे इन रिजर्व कैटेगरीज की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता और वो तो वो उसी 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 तरह से चल रहे हैं, उसी तरह से अपना व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि एक एक फिल्म का गाना था जिसमें कहा था धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। तो ये जो है ये सारे के सारे जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपने अपने ऑफिसेज में अपने अपने यूनिवर्सिटीज में अपने अपने कॉलेज में ऐसे मूक दर्शक बने हुए हैं, ऐसे ऐसे डम्ब आइटम बने हुए हैं कि वो अपनी आवाज़ को भी इस तरह से कहते हैं। मैं देखता हूँ मेरे उस पर सोशल, आप देखिए मैं जहाँ पे शेयर करता हूँ वहाँ पे किसी का कोई कमेंट्स नहीं आएगा, वहाँ पे कोई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। पर जहाँ वीडियो देखने की जो बात है, वीडियो देखने के लिए आप देखिए पूरी लाइन लगी हुई है। आप अंदाज़ा लगाएंगे कल का जो वीडियो है वो 60 से 70 घंटे देखा गया है। पर ये जो मुखरता है ये मुखरता सबको दिखनी चाहिए। देखिए ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये अपने अधिकारों के की जो मांग करने का जो है समय है उसमें अगर आप पीछे रह जाएंगे, अगर उसमें आप पीछे छूट जाएंगे, अगर आप अपनी मुखरता से अपनी बात नहीं कहेंगे तो वो जो मुखरता की जैसे ही आपकी दबेगी तो दूसरे जो आपको जो दबाने वाले लोग हैं वो और ज़्यादा दबाएंगे। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने भावों को अभी अपनी अभिव्यक्ति को खुले में व्यक्त कीजिए। हम भी तो कर रहे हैं, चार लोग गाली दे लेंगे उससे क्या हो जाएगा, पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो हम दे ही रहे ना। तो आपके लिए आपको अपने पैरामीटर्स तय करने हैं, अपने मापदंड तय करने हैं कि आपके लिए समाज हित ज़्यादा अच्छा है या स्वहित अच्छा है। अगर स्वहित है तो कोई बात नहीं, आप सोते रहिए, आप होले होले छुप छुप के अपने अपने उसको अभिव्यक्तियों को इधर उधर वो करते रहिए, सामने मत आइए। पर वो दिन अच्छे नहीं है, जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ जब भी मैं बोलता हूँ कि आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक ऐसे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी अपेक्षाएं आप पीछे आपके पीछे लगी हुई है। तो उस रिप्रेजेंटेशन को जो है आप जिस मुखरता से रखेंगे, जिस मुखरता से अभिव्यक्त करेंगे वो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा होगा। वैसे तो आपकी मर्जी है, आपकी नींद से आपको कोई जगाने वाला शायद नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था। ये तो बाबा साहब भी कह गए कि मुझे अपने पढ़े लिखे उन्हें ज़्यादा धोखा दिया, तो ये पढ़े लिखे तो सारा जो धोखेबाजी का काम है वो कर ही रहे, चाहे वो घरों में करें चाहे बाहर करें चाहे समाज में करें। खैर जो भी है वो आपकी अपनी वो है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं इसका जो तीसरा जो एपिसोड जो आपके सामने लेकर के आया हूँ इस पर चर्चा करूँगा, और इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि इसमें हम आज क्या क्या बात करेंगे। हम इसके जो कल के जो एपिसोड में कल के जो व्याख्यान में चीज़ें छूट गई है जो सैद्धांतिक रूप से ज़रूरी है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। फिर हम एक डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो व्याख्यान है इसमें हम जो आपका क्या कहते हैं उसको क्लबिंग जो करते हैं, जो समूह करते हैं, जो ग्रुपिंग करते हैं रोस्टर में, वो ग्रुपिंग कैसे होती है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आखिर में हम ये आपको एक बार फिर से ये बताने की कोशिश करेंगे कि 2016 में जो रोस्टर था, 2016 तक जो रोस्टर था जिसको 13-पॉइंट रोस्टर के नाम से जाना जाता था, उसमें 12 में जो मैंने जैसे आपको बताया कि हमने 200-पॉइंट रोस्टर लागू करवाया था, पर वो लागू नहीं हुआ था। लागू होने से पहले ही वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है चैलेंज हो गया था, छुटमुट एक दो जगह लागू होने हुआ और उससे लोग इतने भयभीत हो गए, इतने डर गए। तो वो डरने की जो वजह थी वो क्या थी, उसमें हम 13-पॉइंट और 200-पॉइंट का एक और कंपेरिजन दूसरे तरीके से लेकर के आए हैं। कल हमने एक आपको इंडियन एक्सप्रेस का एक वो डायग्राम चार्ट दिखाया था, कलर वाला, ग्रीन कलर वाला, उसमें हमने आपको बताया था कि भाई ये कितनी सारी जो पोस्ट है वो है,
तो उसी को हम आज एक बार और आपके सामने स्पष्ट रूप से उसको और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ आपको कितना नुकसान था और यहाँ आपको कितना फ़ायदा है। और आखिर में जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में इसकी जो समरी है उसको पे हम बात करेंगे, तो इन इन तीन चार पहलुओं पर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो रिजर्वेशन की जो कहानी है, ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये हमारा जो आपका है वो है एक संवैधानिक अधिकार है, और ये संवैधानिक जो अधिकार है इसको हमें खोना नहीं है, इसको हमें ख़त्म नहीं होने देना है। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर आपके पास हमारे पास शायद कुछ बचेगा नहीं, और हम जिस कम्युनिटी जिन कम्युनिटीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ भी एक धोखा होगा। आप अगर देखेंगे तो इसमें हमने जो पहला जो पॉइंट रखा है उसमें वही है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षण के जो पद हैं उनको कैसे रिजर्व किया जाएगा, उसके रिजर्व करने की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, और उसके जो तकनीकी पहलू है वो कैसे उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उनका समाधान निकाल सकते हैं। तो ये जो पहला अगर पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का मतलब ये नहीं है कि ये स्टेट में लागू नहीं होगा, ये स्टेट में भी वैसे ही लागू होगा, क्योंकि ये सारी की सारी रिकमेंडेशन जो है वो UGC के थ्रू आई थी, और UGC की जो गाइडलाइन है वो स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर लागू होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस बिल का नाम जो है वो केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के नाम से था, इसलिए मैंने उसको तकनीकी रूप से यहाँ पर ये रखा है। तो ये केंद्रीय शिक्षण संस्थान जो है शिक्षा के संवर्ग में जो रिजर्वेशन है उसका जो एक बिल आया 2019 में आप लोगों की मेहनत की वजह से, वो जो है वो संसद में पारित किया गया था, और यह आदेश की जगह लेता जिसे फरवरी 2019 में प्रख्यापित किया गया था, मतलब ये जो 2019 में ये कानून बन गया था और इसको प्रेसिडेंट महोदय ने, महामहिम राष्ट्रपति ने इसको नोटिफाई करवा दिया था, नोटिफाई हो गया था। दूसरी जो हम बात करते हैं तो ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, इसमें जो है केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण पदों में आरक्षण के दो बड़े बदलाव हुए हैं। ये जो दो बड़े बदलाव हुए हैं ये वही बदलाव है जो कि मैं आपको पिछले एपिसोड में भी बात कर रहा था, आज भी उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो 13 पॉइंट रोस्टर और जो 200 पॉइंट रोस्टर है उन दोनों के बदलाव की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले ये स्थापित करता है कि विश्वविद्यालय कॉलेज को एक एकल इकाई मानकर आरक्षण लागू करेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें हम सबसे पहले ये बात देखेंगे कि हमें जहाँ रिजर्वेशन लागू करना है वहाँ की जो लार्जेस्ट यूनिट है उस लार्जेस्ट यूनिट को मान करके, तो वहाँ पे उसको हम एकल यूनिट मान करके, एक यूनिफाई यूनिट मान करके उसको हम वहाँ पे रिजर्वेशन को लागू करेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जहाँ यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी एक यूनिट हो जाएगी, पर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 73 जो कॉलेजेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के खुद के अंडर में आते हैं, वो कॉलेज एक अलग तरीके की व्यवस्था के तहत चलते हैं। उन कॉलेजेज में देखेंगे वो सारे के सारे गवर्नमेंट के कॉलेज है, UGC से फंडेड है, पर उसमें जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की उतनी दखलंदाजी नहीं होती जितनी रेस्ट ऑफ द कंट्री देश के दूसरे हिस्सों में होती है। वो कॉलेज अपने आप में स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से गवर्न तो होता है पर वो अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो लार्जेस्ट यूनिट है वो कॉलेज को माना गया है। और तीसरी इसमें जो तकनीकी जो चीज़ है, अगर हम उसको स्टेट के लेवल पर लेंगे तो जो स्टेट की जो मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट के जो मंत्रालय हैं और इस मंत्रालय के अंदर जो विभाग है उस विभाग को हम एक यूनिट मानेंगे पूरे के पूरे, जैसे PWD का एक विभाग है, उच्च शिक्षा का एक विभाग है, रेवेन्यू का एक विभाग है, एग्रीकल्चर का एक विभाग है, ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो मिनिस्ट्री के थ्रू गवर्न हो रहे हैं। तो आप इसको तकनीकी रूप से ये समझ लीजिए ये कि ये जो है यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक स्टेटस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज जैसे स्वायत्त शासी जो कॉलेजेज हैं उनका अपना एक स्टेटस है, और सरकार राज्य सरकारों के जो मंत्रालयों के जो विभाग हैं उनका एक स्टेटस है। पर कहने का मतलब ये है
कि आपको जो रिजर्वेशन के जो रोस्टर्स बनाने हैं 200 पॉइंट रोस्टर के तहत, वो आपको लार्जेस्ट यूनिट को यूनिट माननी है, लार्जेस्ट जो सेटअप है उसको एक यूनिट मानना है। और ये जो सेटअप है ये तीन तरीके से होगा, यूनिवर्सिटीज़ का होगा, स्वायत्त शासी जो कॉलेज है उनका होगा, और स्टेट लेवल पे मंत्रालयों के लेवल पे जो विभाग है उनका होगा। तो इसमें आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि किसी भी विश्वविद्यालय में विभागों में जैसे सहायक प्रोफेसर के समान स्तर के पदों में कुल आरक्षित सीटों की संख्या एक साथ रखकर गणना करेंगे। ये जो बात है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि मेरी कल से मुझे बहुत सारे लोगों ने जो क्वेरीज की है, बहुत सारे लोगों ने जो सवाल मुझसे पूछा है, उन्होंने कहा सर ये कैसे हो सकता है। तो ये ऐसे हो सकता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो इक्वलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर है, डिप्टी रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो इक्वलेंट टू एसोसिएट प्रोफेसर है, रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो इक्वलेंट टू प्रोफेसर है, मतलब उनका जो स्केल है, उनका जो पे स्केल है वो लगभग इन कैडर्स में आता है। तो जब इन कैडर्स में आता है तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए सहायक प्रोफेसरों का जो वो है जिसको पहले लेक्चरर आप बोलते थे, उसमें आप उसको एक उसमें रखेंगे, दूसरा इसके साथ जो है आप सहायक रजिस्ट्रार को रखेंगे जिसको आप कुल सचिव बोलते हैं, सहायक कुल सचिव, दूसरा तीसरा जो है इसमें इसी कैटेगरी के जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च ऑफिसर है या कोई दूसरी जैसे कंप्यूटर साइंस में कई साइंटिस्ट है या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स में कई सारी सेंटर के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें उनका पदनाम दूसरा है पर पे स्केल वही है। आपको कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपके जो वैज्ञानिक है जिसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, इसमें जैसे आप तीसरा आप अगर चौथा आप देखेंगे तो सहायक निदेशक है, सहायक निदेशक का भी कई जगह जो पोस्ट है वो उसी कैटेगरी में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको एक साथ एक ही क्लब में रखेंगे, एक क्लब में, अगर इनका पे स्केल एक जैसा है, अगर पे स्केल अलग है तो फिर आप इसको टीचिंग को जो है अलग रखेंगे और नॉन टीचिंग को जो है वो अलग रखेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्या है कि जैसे लेक्चरर का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे स्केल है वो पहले वाले में जो है 15,600 वाले स्केल में जो था 6,000 के पे उस पे था, पर अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो था वो 5,400 था, तो जो जहाँ 5,400 है वहाँ उसको आप नॉन टीचिंग वाले सेक्टर में रखेंगे, पर कई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो है पे स्केल भी वो है वो 6,000 पे रखा हुआ है, कई में है कई में नहीं है, दोनों तरह की स्थितियाँ हैं, तो उसको आप इस तरह से उसको एक साथ रखेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो समान स्तर के पद है उनको आरक्षित सीटों में समान एक साथ रख करके उसकी गणना करेंगे। दूसरी इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो ओबीसी कैटेगरीज है, आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस की नई जो व्यवस्था आई है शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी से परे आरक्षण का विस्तार करता है। ये जो बिल जो आया है ये आपके साथ साथ देखिए ये आया एक तरीके से आपके फेवर में आया है, पर अगर हम दूसरे तरीके से बात करते हैं तो आपकी जो गहरी जो नींद है, जो गहरी नींद जो टूट नहीं रही है, उस नींद को अगर आप देखेंगे तो जो ईडब्ल्यूएस का जो कंसेप्ट आया है वो आपके हिस्से में से ही आया है। आपके हिस्से में से क्यों आया है, जब ओबीसी का जब रिजर्वेशन लागू हुआ 1990 में तो ओबीसी की जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का जो परसेंटेज था, जनसंख्या का जो अनुपात था, वो जनसंख्या का अनुपात लगभग 52% था और 52% उनको दिया जाना चाहिए था, पर सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने उसमें वो ये किया कि जब 52% पर नहीं दे करके उनको हमने 27% दिया, तो बाकी का जो 25% था वो जो है वो छूट गया। तो वो क्यों छूट गया, वो इसलिए छूट गया कि सरकार का और हमारी जो न्याय प्रणाली है उनका और एक ओवरऑल जो एक जो आइडिया जो आया उसमें ये आया
कि हम इसमें जो है 50% तक तो जो है वो रिजर्व रखेंगे और नेक्स्ट जो 50% है वो उसको अनरिजर्व रखेंगे। और ये जो होगा ये इसकी जो मेरिट है वो इस बेसिस पे बनेगी और इनकी जो मेरिट है ये विद इन द कैटेगरी बनेगी। तो ये जो मेरिट होगी ये कैटेगरी वाइज होगी और ये जो मेरिट होगी ये ओवरऑल मेरिट होगी। अगर सपोज ये जो कैटेगरीज हैं ये कैटेगरीज अगर मान लीजिए शिफ्ट होकर के मेरिट के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यहाँ पे आना चाहते हैं तो फिर वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो है ये ओपन टू ऑल है, ये केवल सिर्फ और सिर्फ मेरिट है। और ये जो सताए हुए पिछड़े हुए दबाए हुए जो लोग हैं जिनको हमारे संविधान ने संरक्षण दिया है उन संरक्षण को जो है उनमें उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनके स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए देश की जो मुख्य धारा है उसमें लाने के लिए उनको वो संरक्षण संविधान में दिया हुआ है। और वो जो किन किन उसमें दिया हुआ है वो मैंने आपको 15, 16 और 334 जो वाले सारे के सारे वह पहले वाले उसमें बता दिए। तो ये जो बात थी, अब ये जो ये 50% था इसमें से आपने 10% को एक्सक्लूड कर दिया। अब ये 10% किसको जाएगा? ये 10% इसमें जो यूआर जो थे उन यूआर के लिए आपने ये 10% कर दिया, पर ये हिस्सा तो बेसिकली मेरिट का गया। तो ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को जो है आपको समझना होगा ये क्या कहती है ये व्यवस्था। इस पे आप क्योंकि आप तो सोए हुए हैं, सोने वालों का तो शायद कोई वो नहीं होता। तो ये जो व्यवस्था है ये सरकारों के खिलाफ भी है और ये पूरी की पूरी जो वोट बैंक की जो राजनीति है उसका वो है। आप ये बताइए, आपने जो इसका जो कई सारे टेक्निकल पहलूज हैं जैसे ओबीसी में जो क्रिमिलेयर है उसकी लिमिट को देख लीजिए, आप ईडब्ल्यूएस में जो लिमिट रखी है उसको देख लीजिए, पर आपके लिए बोलने वाला कौन है? उनको तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया। ये आपको सोचना चाहिए। तीसरी इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो है रोस्टर रजिस्टर को बनाने की और उसके रख रखाव उसके मेंटेनेंस के लिए क्या करना है। देखिए सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही आता है कि जो रोस्टर जो रजिस्टर है रिजर्वेशन का जो रजिस्टर है उस रजिस्टर को कैसे तैयार किया जाएगा, उसको कैसे बनाया जाएगा। और उसको बनाना जो है एकदम से टेक्निकल पहलू है, एकदम तकनीक से जुड़े हुए उसके जो है उसका संबंध है। और उस रोस्टर रजिस्टर की तैयारी के लिए आपको क्या करना है और बनने के बाद उसके रखरखाव के लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में कुछ चीज़ें मुझे जो क्वेरीज मिली थी उन क्वेरीज के बेसिस पे मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले एक नंबर पे जो है वो है सीधी भर्ती और दो नंबर पे है पदोन्नति प्रमोशन। इनकी जो नियुक्ति वो है आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के दो अलग अलग सेपरेट रजिस्टर बनेंगे। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है और तथ्यात्मक रूप से इसको फैक्चुअल लेवल पे इसको ध्यान में रखना है कि ये दो रजिस्टर बनेंगे। एक बनेगा जिसको हम शॉर्ट में जो है वो DR बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और एक को हम PR बोलते हैं प्रमोशनल रिक्रूटमेंट। तो जो DR और PR है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन है उसके आपको दो रजिस्टर अलग अलग बनाएंगे। दूसरी इसकी जो बात है नियुक्तियों को अलग अलग रोस्टर रजिस्टर तैयार करेंगे। पदोन्नति के मामले में पदोन्नति के प्रत्येक मोड के लिए अलग अलग रजिस्टर और रोस्टर रजिस्टर तैयार करेंगे। सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं चयन और गैर चयन के आदि का उसमें रिकॉर्ड होगा। इसमें एक और बात जो है वो मैं आपके विशेष ध्यान में लेना चाहता हूँ। देखिए इस देश में जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो हिंदी स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, मतलब हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी समझते हैं, या हिंदी के पैरेलल वो उस स्टेट की भाषा को समझते हैं, उस स्टेट की भाषा को फॉलो करते हैं। मैं आपसे एक तकनीकी पक्ष डिस्कस करना चाहता हूँ, एक तकनीकी पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। अंग्रेजी में देखिए जो लीगल प्रोसीजर जो आस्पेक्ट है उसमें हमेशा जो है आप सेल का इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जो सेल और मे की जो कहानी है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है।
सेम सेल जो है वो आपकी एक प्रोसेस को डिमांड करता है, मैं जो है वो आपको ऑप्शन देता है, आप कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पर सेल के साथ जो है आपके लिए मैंडेटरी है कि आप उसको करना ही करना है, वो प्रोसेस आपको जो प्रेस्क्राइब्ड जो प्रोसेस है उसको अपनाना ही अपनाना है। इसलिए जो है लीगल टर्म में सेल का जो है वो एक कानूनी महत्व है, और मैं जो है वो आपका प्रेफरेंशियल है, आप उसको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसको वो कर सकते हैं। तो इसके लिए अक्सर ये बात उठती है कि भाई सेल की जब बात अंग्रेजी में जब डॉक्यूमेंट बनेगा तब तो सेल लिख दिया जाएगा, पर अगर मान लो हिंदी में बनेगा तो उसकी भाषा उसमें क्या होगी। तो उसके लिए आपको मैं आपको बता दूं, ये इसमें आप मैंने एक टर्म यूज किया करेंगे, ये जो है ये इक्वलेंट टू सेल के इक्वलेंट है, और ये यहाँ पे आप करेंगे का इस्तेमाल करेंगे, चाहिए का नहीं करेंगे। चाहिए जो है उसमें आपकी मैंडेटरीनेस नहीं है, उसमें कानूनी बाध्यता नहीं है, और इस तरह का जो है जैसे चाहिए नहीं करेंगे, जैसे आप कहेंगे जाएगा, ये जाएगा नहीं करेंगे। तो इस ऐसे जब भी डॉक्यूमेंट आप बनाएं तो उन वाक्यों की जो संरचना है, उन वाक्यों को जब आप वहाँ पे पुनर्गठित करेंगे, वहाँ पे उसको शामिल करेंगे, तो आपकी भाषा का भाव जो है वो करेंगे के साथ जुड़ना चाहिए। और इस डॉक्यूमेंट में आप आगे देखेंगे सारी जगह पर हमने जहाँ जरूरी है वो करेंगे सेल के इक्वलेंट उसको यूज किया है। तो ये आपको ध्यान रखने की बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सेल का इस्तेमाल करेंगे, सेल के लिए हिंदी का जो इक्वलेंट करेंगे करेंगे। अब बात जब आती है दूसरी इसमें, तो हम बात करते हैं स्थायी नियुक्तियों और अस्थायी नियुक्तियों की। देखिए आपके साथ एक और अनजस्ट होने वाला है, आपके साथ एक और अन्याय की प्रक्रिया सामने आने वाली है। आप तो सोए हुए हैं, आपकी नींद को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। कुंभकर्ण था वो भी 6 महीने में जग जाता था खाने के लिए, पर आप खा करके ऐसे सोए हुए कि आपको उठाने वाला कोई नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो ये टर्म जो आए हैं, ये स्थायी नियुक्ति और अस्थायी नियुक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। और आपने देखा होगा चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, वो अब रिक्रूटमेंट जो ला रहे हैं वो एडोक बेसिस पे रिक्रूटमेंट ला रहे हैं, टेम्परेरी रिक्रूटमेंट ला रहे हैं, जिसको कोई गेस्ट कह रहा है, कोई एडोक कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। तो ये जो आप जो तदर्थ नियुक्तियों का जो लाए हैं, इसको एडोक कहेंगे तो, या फिर अस्थायी कहेंगे तो, ये आपका टेम्परेरी हो गया। तो ये जो तदर्थ और अस्थायी या गेस्ट फैकल्टी और ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये आपके रिजर्वेशन पर हमला करने की एक और साजिश है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, अक्सर ये अनुभव किया गया है, और हम जैसे लोगों ने तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अनुभव किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था अगस्त 2013 तक। अगस्त 2013 में ही 14 तारीख को जो है मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में आकर के ज्वाइन किया। तो ये जो टर्म था, इस टर्म के बेसिस पे जो एडोक जो अपॉइंटमेंट थे, ये जो एडोक अपॉइंटमेंट में जो रिजर्वेशन रोस्टर जो कि अप्रूव्ड रिजर्वेशन रोस्टर था, उसमें जो 67 जो पद थे वो रिजर्व होने के बावजूद उस पर ओपन कैटेगरी के लोग काम कर रहे थे जब मैं अगस्त 2013 में आया। तो जब उनका विज्ञापन निकला उनको वो लेने के लिए, शॉर्ट टर्म विज्ञापन जो लोकल अखबारों में निकलता है, तो मैंने वहाँ उस टाइम पे हमारे एक रजिस्ट्रार थे मोहिंदर यादव जी, जो यूजीसी से ही आए थे, और यूजीसी से आए थे तो उनको थोड़ा सा अपने आप को एक एरोगेंसी थी कि मैं तो यूजीसी से आया हूँ तो मेरा तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो जब जैसे ये पदों की जो रिक्रूटमेंट निकला तो मैंने कहा, देखा उसको, तो मैंने कहा भाई ये आपका जो अप्रूव्ड जो रोस्टर है, जो कि अप्रूव्ड रोस्टर के अकॉर्डिंग आपकी जो पोजीशन है वो पोजीशन तो कैटेगरीज की हैं, और आप इस पे ओपन कैटेगरीज को कैसे ले रहे हैं। तो वो कह रहे नहीं, ये तो इसमें तो कोई रूल नहीं है। तो मैं तो चूंकि DU से आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने यही काम किया था, मेरे पास सारे पेपर्स अवेलेबल थे, तो मैंने एक जो रिलेटेड जो पेपर था UGC ने जो जारी किया था वो उन रजिस्ट्रार को भेज दिया। रजिस्ट्रार को भेज दिया तो फिर उन्होंने कहा ये पेपर आपके पास कहाँ से आया। मैंने कहा UGC में आप जो है आप स्टैटिकल ऑफिसर थे, मालिक तो थे नहीं कि आपने सारे पेपर्स को जो है डंप कर रखा था।
तो मैंने कहा पेपर तो आएंगे, कहीं से भी आए पेपर आप ऑथेंटिक हैं, यूजीसी से जांच करवा लीजिए। और आप यकीन करेंगे ये जो 67 जो वैकेंसीज थी जो कि एडोक बेसिस पे जो भरी जानी थी, इसको हमने मैंने रुकवाया, और रुकवाने के बाद उसी सत्र में ये 67 लोग जो है ST SC OBC के लोग जो है उसमें रिक्रूटेड हुए। जो लोग पहले से लगे हुए थे उनको हटाना पड़ा, और इसके लिए मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये जो लड़ाई है ये आप लोगों को लड़नी चाहिए, पर आप लड़ेंगे ये मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब जो टेम्परेरी और गेस्ट लेक्चरर की जो प्रक्रिया आ रही है उसमें रोस्टर को एकदम से ख़त्म कर दिया जाएगा, उस पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने ये टर्म यूज किया है कि स्थायी नियुक्तियों में तो आप रोस्टर बना ही लेंगे, पर जो टेम्परेरी जो नियुक्तियाँ हैं इन टेम्परेरी जो नियुक्तियों में जो है आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना के लिए एक सामान्य रजिस्टर बनेगा। कि मान लीजिए ऐसी वैकेंसी है जो कि लॉन्ग टर्म में टेम्परेरी रहेगी तो उसके लिए एक अलग रजिस्टर बनेगा, और उसको जो है जो शॉर्ट टर्म जो वैकेंसीज है उसके लिए एक अलग रजिस्टर बनेगा। वो जो शॉर्ट टर्म की जो वैकेंसीज है उसका क्या वो होगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है रूल्स में कि शुद्ध रूप से अस्थायी नियुक्तियों के लिए 45 दिन या उससे अधिक समय के लिए एक अलग रजिस्टर रोस्टर रजिस्टर रखा जाएगा, लेकिन जिसके पास स्थायी या अनिश्चित काल तक बने रहने का कोई मौका नहीं है। तो आपको ये देखना है, ये रूल में तो आ गया है, रूल तो बने हुए हैं कि जब ये गेस्ट लेक्चरर जब राज्य सरकार इंप्लीमेंट करेगी जुलाई से या कोरोना हटने के बाद जब भी, तो आपको उसमें रिजर्वेशन लेना है, नहीं लेंगे तो वो जो सारा जो खेल है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले हुआ था या वो दूसरी यूनिवर्सिटीज में आज भी हो रहा है, तो वो जो है वो उस स्थिति से आपको बचना होगा। तो आपको यहाँ तीन चीज़ें आई, एक चीज़ आई आपको एक स्थायी रजिस्टर जो बनेगा वो जो होगा वो परमानेंट का एक रजिस्टर होगा, दूसरा एक रजिस्टर होगा वो टेम्परेरी का एक रजिस्टर होगा। टेम्परेरी का जो रजिस्टर होंगे वो दो होंगे, इसमें एक लॉन्ग टर्म का होगा और एक शॉर्ट टर्म का होगा। लॉन्ग टर्म में जो भी होगा वो डिफाइंड पीरियड होगा, शॉर्ट टर्म में वो है मिनिमम 45 डेज का है। अगर 45 डेज तक कोई वैकेंसी एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए आपको अलग रजिस्टर बनाना है, अलग रजिस्टर रखना है, तब जाकर के आपके हितों का संरक्षण होगा। नहीं तो फिर आप जहाँ से आए हैं, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ सो रहे हैं वहीं सोते रहिए। आगे जो हम बात करेंगे वो इसी से जुड़ी हुई है, और इस पे जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये अलग तरीके की चीज़ है। इसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी नियुक्ति के तुरंत बाद नियुक्त व्यक्ति के विवरण को रजिस्टर में, रोस्टर रजिस्टर में उपयुक्त कॉलमों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रविष्टि करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। अक्सर क्या हो रहा है कि जो अपॉइंटमेंट होता है, जैसे आज मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर के तौर पर यहाँ का जो रोस्टर बना रहा हूँ, यहाँ पर डेटा ही नहीं है, यहाँ पर किसी के बारे में यही भी डेटा नहीं है, या तो छुपा दिया है या उन्होंने जो भी उसके साथ मैनिपुलेशन किया है उस पर मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूँ, पर मैं वहाँ पर जो देख रहा हूँ वो आपको जो बता सकता हूँ। आप इसको देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये जो चीज़ें हैं इसमें क्या है कि आपकी जो जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ, जैसे माना मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, पिछले उसमें मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ द पोस्ट, तो डेट ऑफ सेंक्शन देखनी है आपको, दूसरा डेट ऑफ रिक्रूटमेंट देखना है आपको, और तीसरा आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखनी है उसको। तो ये जो तीन जो डेट हैं, डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ द पोस्ट, पद कब स्वीकृत होकर के आया, कितने पद स्वीकृत होकर के आया, उसका विज्ञापन कब निकला, उस पर रिक्रूटमेंट कब हुआ और उस पर ज्वाइनिंग कब हुई, ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है उस रोस्टर रजिस्टर में साफ साफ तौर पर दर्ज होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनका जो है सही इस्तेमाल हो और उस डेटा के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं हो, कोई धोखाधड़ी नहीं हो। नेक्स्ट जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि रजिस्टर और रोस्टर रजिस्टर को पूरा करने में कोई अंतर नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसको आप अगर चाइना की भाषा में बोलेंगे तो इसको बिटवीन द लाइन बोलते हैं, कि बिटवीन द लाइन भी एक मीनिंग होता है, पर यहाँ पे वो बिटवीन द लाइन का मीनिंग नहीं होता है,
पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा, ये आपने इसकी एंट्री कर दी, और दूसरा पॉइंट आपने यहाँ लिखा और इसकी एंट्री कर दी, और ये इतना सारा गैप यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे आकर के कोई भी आकर के मैनिपुलेट करके, जैसे ये एक एक हो गया तो यहाँ एक एक करके या जो भी उसका मैनिपुलेशन का वो करके और कोई बीच में एंट्री को घुसेड़ सकता है। तो आपको रोस्टर रजिस्टर बनाते समय इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको कहीं पे भी उतना गैप नहीं देना है जितना कि कोई दूसरी एंट्री उसमें इंसर्ट हो जाए, उसमें घुस जाए। तो ये आपको रोस्टर रजिस्टर बनाने के समय, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारी जो है गफलतें होती हैं। इसमें आपको इसको कोई अंतर नहीं छोड़ा जाएगा। रोस्टर रजिस्टर वर्ष के बाद चालू खाते के रूप में बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए एक वर्ष में भर्ती बिंदु पर 6 पर रुक सकती है, तो अगले वर्ष की भर्ती जो है 7 से शुरू होगी। जो प्रोफेसर काले साहब ने जो मेहनत करके आपको जो डॉक्यूमेंट दिया, जिसको हम 200 पॉइंट रोस्टर बोलते हैं, उससे पहले क्या होता था कि जो 13 पॉइंट जो रोस्टर था, जिसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, 13 पॉइंट रोस्टर में क्या होता था, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपकी जो वैकेंसीज है वो किसी डिपार्टमेंट में 5 वैकेंसी स्वीकृत है, 5 वैकेंसी स्वीकृत है, तो पांचों को अगर एक साथ भरेंगे तो इसमें से एक जो पोस्ट है वो ओबीसी को चले जाएगी। पर वो चालाक लोग क्या करते थे कि यहाँ इसमें से 2 निकालते थे, फिर 1 निकालते थे, फिर 2 निकालते थे, फिर इसको इस तरह से उसको मैनिपुलेट करते थे। तो आपको इसमें क्या करना है, मैं इस पर यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 5 वैकेंसीज आई हैं तो 5ों का रिक्रूटमेंट एक साथ ही होना चाहिए। एक साथ होगा तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। पर अगर आप उस चीज़ से बचने के लिए, आपको आपके पास अगर रोस्टर रजिस्टर में एंट्री है, और वो जो मानसिकता के लोग, चूँकि वो डिसीजन मेकिंग में बैठे हुए हैं, निर्णय लेने वाले वही लोग हैं, प्रशासन में उनकी ही चलती है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई अगर चालाकी करके मान लो 5 वैकेंसीज हैं, 5 में से जो है 3 वैकेंसी भरते हैं, तो फिर बाद में 2 वैकेंसी भरते हैं, तो ये पहली 3 के एंट्री के बाद इस 2 से जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5, ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, सेंटर में ये ओबीसी और स्टेट में ये ओबीसी, तो ये जो है 5वीं पोजीशन पे आपको अगर मान लो उन्होंने ये 3 भी भर ली है, जैसा कि हमने ये आपको बताया, तो ये 2 बची है, उनमें से आपको एक ओबीसी को तो देनी पड़ेगी, अगर आपके पास रोस्टर रजिस्टर है तो, बन गया है तो, नहीं बनाया तो फिर आप देखिए, फिर तो आपको उसका देखना ही है। इसलिए रोस्टर रजिस्टर बनना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपका भला नहीं होने वाला है, और नींद तो आपकी वैसे भी नहीं टूटनी है। आगे जो मैं बात कह रहा था वो ये है, यदि आरक्षण रजिस्टर अधकचरा या प्रबंधन के लिए कठिन हो जाता है, तो रजिस्टर की प्रारंभिक तैयारी की विधि को लागू करके एक नया रजिस्टर शुरू किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, डॉक्टर देवस्वरूप जी राजस्थान यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आए थे, उनके पास उस समय जो भी वजह रही हो, मुझे पता नहीं, मैं उसके बारे में ज़्यादा आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता, पर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक रोस्टर रजिस्टर बनाने की जो कोशिश की गई, उसमें जो कट ऑफ डेट थी वो 1983 रख दी गई। मतलब राजस्थान में जो रिजर्वेशन को लागू करने की जो डेट थी, जो ईयर था, वो 1983 था, जबकि मैंने आपको पिछले मेरे उसमें व्याख्यानों में बताया कि वो जो है वो 1973-74 है, और ये जो 10 साल का जो अंतर है वो हुआ नहीं हुआ। तो अभी हमने देखा, तो वो जो पुराना जो रजिस्टर है, जो कि उसमें वो बना हुआ है, हमने उसको देखा और हमने कहा नहीं, ये जो है अब उसको हम पुनः जो संशोधित करके और उसको उसी हिसाब से जो एज पर द नॉर्म्स है, नियमों के अनुरूप है, उसको हम बना रहे हैं। तो ऐसा रोस्टर रजिस्टर बनने के बाद अगर मान लीजिए उस इंस्टीट्यूशन के लोग, उस संस्था के लोग, उस यूनिवर्सिटी के लोग अगर उसमें अगर कोई कमियां निकालते हैं, तो वो कभी भी उसको बदल सकते हैं, और उसमें आपको ये उससे डरने की जरूरत नहीं है कि एक बार बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा। तीसरा जो है, नेक्स्ट जो बात है, वो जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके कैडरों के मामले में, मैंने आपको बताया काडर का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, 3 पे स्केल के 3 काडर, उसके इक्वलेंट जो चीज़ें होंगी उनको उस हिसाब से लेना है।
आरक्षण रोटेशन के द्वारा दिया जाता है। रोस्टर में सभी बिंदुओं को पूरा होने के बाद रोस्टर का नया चक्र शुरू किया जाएगा। तो ये आपको जो साइकिल की जो बात मैं कह रहा था, का आपका जो बैकलॉग बनेगा और उसके बेसिस पे जो आपको रिसाइकिल में आएगी, जैसे मान लीजिए कोई किसी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुआ और वो छोड़ करके चले गया, तो छोड़ के अगर चले गया या वो रिटायरमेंट हो गया, तो उसका जो पोस्ट का जो बेसिक जो नेचर है वो बदल करके रिसाइकिल में दूसरी कैटेगरी को जा सकता है। तो रिसाइकिल करने के लिए उसके अलग नियम बने हुए हैं, आप अगर चाहेंगे तो हम उसके ऊपर डिटेल में जो है बात कर सकते हैं वो। पर यहाँ जो उसको आपको चक्र की जो बात है वो साइकिल की और रिसाइकिल की बात ही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बात है जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, जो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसमें से लेकर के आए हैं, और वो ये है कि आप देखेंगे तो इसमें चूँकि आरक्षण प्रतिनिधित्व, बार बार मैं कहता हूँ कि जो रिजर्वेशन है वो रिप्रेजेंटेशन है, अवशोषण पर लागू नहीं होता है। जहाँ भर्ती नियम इन विधियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत बताते हैं, ऐसे पदों को आरक्षण के निर्धारण के लिए बाहर रखा जाए। प्रत्येक भर्ती के बाद आरक्षण रजिस्टर में एससी एसटी ओबीसी के प्रतिनिधित्व, बैकलॉग, आरक्षित रिक्तियों आदि का विवरण दर्शाते हुए एक खाता नोटबुक नोट किया जाएगा कि उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें लास्ट वाला जो कॉलम है 14वां कॉलम है, या उसको आप 15वां बना सकते हैं क्योंकि ओबीसी का बैकलॉग देना है तो 15वां बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो उसमें जो आपको करना है वो आपको ये करना है कि उसकी जो लास्ट वाली जो कॉलम है उसमें आपको टिप्पणी के रूप में उन सूचनाओं को वहाँ पे लिख देना है और वहाँ पे उन अथॉरिटीज के सामने उसके साइन होने हैं। ये आपके जो रोस्टर से जुड़े हुए जो नियम थे कि कैसे रोस्टर बनेगा, उसका एक पहला पड़ाव था, जिसको अगर हम समअप करते हैं, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आरक्षण रजिस्टर रोस्टर रजिस्टर केवल ये सुनिश्चित करने के लिए है कि एससी एसटी की जो पोजीशन है, ओबीसी की जो पोजीशन है, उनका रिजर्व का कोटा कितना है उसके लिए है। सीनियरिटी से, जो मैंने आपको पहले पिछली वाली क्लास में भी बताया, सीनियरिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो बात हम आपसे कहना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो मैंने पिछली बार आपको बताने की कोशिश की थी कि, पर उसके बावजूद कई लोगों की क्वेरीज थी, वो लोग मुझसे कह रहे थे कि ये चीज़ें जो है वो भी क्लियर नहीं हुई है, तो इसको आप और अच्छे से क्लियर कर दें। तो ये जो कल जो आपको मैंने दिखाया था, कल वाले उसमें सिर्फ ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया था सारा। ये आपको जो मेन जो बात थी वो ये थी कि आपको, जैसे मैंने बताया, असिस्टेंट एसोसिएट और प्रोफेसर का जो है काडर के आधार पर, पे स्केल के आधार पर, उसके आधार पर अलग अलग क्लब बनेंगे, अलग अलग समूह बनेंगे, अलग अलग यूनिट्स और कैटेगरीज बनेंगी। तो उसको आप देख करके, यहाँ मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा था और ये यहाँ पे जो है आपको, जब अगर मान लो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो असिस्टेंट प्रोफेसर लिख दीजिए, और मान लो एसोसिएट प्रोफेसर का है तो उसको हम अगले वाले पेज पे बता रहे हैं आपको कि उसमें जो है आप उसकी एंट्रीज कर सकते हैं। एंट्रीज करने में मैंने आपको बताया था कि आपका किस ईयर में सेंक्शन हुआ है उसको यहाँ लिखना है, किस ईयर में पोस्ट सेंक्शन हुई है उसको यहाँ लिखना है, किस ईयर में रिक्रूटमेंट हुआ है उसको यहाँ लिखना है, उस पर किस कैटेगरी का जो हुआ है उसको यहाँ पे मेंशन करना है, किस व्यक्ति का हुआ है, जो मैंने आपको पिछली वाली एंट्री में बताया कि उसकी जो ज्वाइनिंग से संबंधित सारा जो पर्टिकुलर्स है, विवरण है, वो आपको उसमें लिखने हैं, और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसका रिटायरमेंट कब है, उसकी वो किस कैटेगरी के अगेंस्ट में आया है, और फिर जिस कैटेगरी के अगेंस्ट में आया है, जैसे मान लीजिए ये आपकी सेंटर के हिसाब से जो है ये पोजीशन ओबीसी की है, तो ये आप ओबीसी में एक लिख देंगे यहाँ, तो ये ओबीसी का एक बैकलॉग हो जाएगा। ये एससी की पोजीशन है तो ये एससी का बैकलॉग हो जाएगा। ये एसटी की पोजीशन है स्टेट के हिसाब से तो ये एसटी का, तो ये इसको नीचे ला करके उसको कैलकुलेट कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद सारी जो कमेटी जो बनती है, उसकी रोस्टर कमेटी जो बनती है, उस कमेटी के सारी एंट्रीज के यहाँ पे जो है एक एक करके सबके 1, 2, 3 जितने भी नंबर उसमें जो है साइन करने वाले हैं वो साइन आसपास चारों तरफ साइन कर देंगे। अगर किसी को और भी ज़्यादा पुख्ता करना है तो अगर मान लो कोई एंट्रीज पे किसी को कोई वो है तो उस एंट्री के सामने भी वो साइन कर सकता है।
तो ये बात जो क्वेरीज में आई थी उसका मतलब यही था। अब जो दूसरी जो बात इससे जुड़ी हुई जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो ये है कि आपको सपोज मान लीजिए आपने वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का बनाया है तो आपको एसोसिएट और प्रोफेसर का जो बनाना है उसमें जो है आपको यहाँ पे जो है एसोसिएट लिख देना है और यहाँ पे प्रोफेसर एक दूसरा कॉलम बन के दूसरा पेज बन के उसमें प्रोफेसर लिख देना है और एंट्रीज वो सेम वही उसी हिसाब से ही होनी है जो आपको पिछली वाली स्लाइड में हमने बताया था। अब हम आपके सामने जो एक और तथ्य जो लाना चाहते हैं एक और बात जो आपसे कहना चाहते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने का जो है आपको कैटेगराइज जो करना है आपको उसको क्लबिंग करनी है वो कैसे करनी है उस क्लबिंग को करने के लिए आपको जो है ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि जैसे मान लीजिए पदों का जो ग्रुपिंग करेंगे ये जो ग्रुपिंग है उसमें पहली बात होगी सीधी भर्ती के द्वारा भरे गए पदों के मामले में लघु संवर्गों का एक ही समूह पदों के साथ आरक्षण आदेशों की स्थिति वेतन विचाराधीन पदों के लिए निर्धारित योग्यता समूह में रखा जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आप एक उस में रखते हैं कि भाई उसकी जो आदेश जो आया था वो कब आया था उसका नंबर क्या है क्योंकि एंक्लोजर को लोग जो है बाद में गायब कर देते हैं इसलिए आप जो आदेश की जो नियुक्ति जो मैंने आपको पिछली वाली उसमें बताई थी जैसे मान लीजिए यहाँ 2021 में जो है आपके जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 50 वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट ने स्वीकृत की है तो ये जो यहाँ पे जो है जैसे मान लो उसका जो है ऑफिशियल जो लेटर है तो लेटर नंबर लिख करके फाइल का नंबर लिख करके और उसमें जो उसका नंबर जैसे मान लीजिए 708 नंबर है किस डेट को आया जैसे मान लीजिए आज की जो डेट है हम अगर 5 मई की लिख दें तो ये यहाँ पे 5 मई 21 लिख दीजिए तो ताकि ये मान लो इसका एंक्लोजर भी कोई यहाँ से हटा देता है तो फिर आपकी ये जो एंट्री है ये सुरक्षित रहेगी और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को जब भी ज़रूरत होगी उस गार्ड फाइल से या मास्टर रजिस्टर से उसको जो टैली करके उस डॉक्यूमेंट को लिया जा सकता है। ऐसे जो ग्रुप डी के जो पोस्ट हैं उन ग्रुप डी के जो पोस्टों को जो है उसमें क्लब करके उसके नेचर के हिसाब से रखना है। ऐसे ही जो टीचिंग का और नॉन टीचिंग का जो रोस्टर बनेगा टीचिंग और नॉन टीचिंग का जो रोस्टर बनेगा उसको जो है आप उसी हिसाब से ही अलग अलग करके रखेंगे। पदों के समूहकरण की जो बात मैं आपको कह रहा था जो आपको जो ग्रुपिंग करनी है ग्रुपिंग करने के लिए आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना है उसमें आपको देना है प्रत्येक पद का नाम और संख्या कि उसमें जो है वो कब सेंक्शन हुई कितनी नंबर ऑफ पोस्ट थी और उसका क्या क्या डेजिग्नेशन था। वह समूह जिससे पद संबंधित है अर्थात ग्रुप ए का है ग्रुप बी का है ग्रुप सी का है ग्रुप डी का है तो उसको आप मेंशन करेंगे। भर्ती के नियमों में दिए गए अनुरूप उसके प्रत्येक पद की भर्ती का तरीका क्या होगा वो जो एडवर्टीजमेंट में निकलता है तो उसका जो एंक्लोजर है उसकी जो आप चाहो तो रोस्टर रजिस्टर के साथ एक गार्ड फाइल भी आप बना सकते हैं जिसमें उसके एंक्लोजर्स लगेंगे। प्रत्येक पद में जो सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता क्या है उसका भी आप चाहो तो उसमें आप डिटेल अंकित कर सकते हो। ये आप उसमें जो कैटेगराइज जो आप करेंगे उसकी जो ग्रुपिंग करेंगे उसके लिए इन चार बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे कि जब ये सारी जब आप प्रोसेस पूरी कर लेंगे तो आप इसमें आप देखेंगे कि जब आपका आधा काम हो गया तो आगे के काम के लिए आप आरक्षण में ऊपर दिए गए समूहों के अनुसार किया जाएगा। किसी भी पद में सेवाओं के कुल आरक्षण का किया जाना चाहिए इसके लिए इसमें भरे जाने वाले रिक्तियों का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात विशेष पद सेवा में भर्ती किसी पद या सेवा में SC ST OBC के लिए कुल आरक्षण की किसी भी विशेष की सीमा को 50% की जो है वो सीमा निर्धारित की गई है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। पर यहाँ पे एक टेक्निकल पहलू है टेक्निकल चीज़ है उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जब उस पर्टिकुलर ईयर में रिक्रूटमेंट ईयर में 50% से ज़्यादा नहीं होगा इसका मतलब वो सीधी भर्ती के जो डायरेक्ट न्यू सेंक्शन जो पोस्ट है उसमें है तो वो तो सरकारों के इस लेवल पे आएगा उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। पर अगर मान लीजिए आपकी रिक्रूटमेंट ईयर में बैकलॉग भी साथ में आ रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो बैकलॉग है इस बैकलॉग की जो सीमा है वो 50% से एक्सेस हो सकती है। इसका कोई लिमिट नहीं है जितने आपके जो बैकलॉग पद हैं वो पद कितने भी हो सकते हैं
शर्त यही है कि वो नियम से गिने होने चाहिए, उनकी गिनती नियम से होनी चाहिए, और जो रोस्टर रजिस्टर में वो ठीक से प्लेसिंग होनी चाहिए, ठीक से उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर उसको किसी भी न्यायालय में अगर चुनौती देता है तो उस डॉक्यूमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपने पक्ष को रख सकते हैं। इसलिए बैकलॉग की कोई सीमा नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, रिक्रूटमेंट ईयर में जो वैकेंसी भरेंगे उसकी 50% से ज़्यादा नहीं होगी। रिक्तियों को भरना 200 बिंदु की प्रणाली में एक बार किसी पद को एक विशिष्ट श्रेणी, उदाहरण के लिए एससी के लिए आरक्षित सीट के रूप में नामित करेंगे, फिर उस पद को के सभी भावी रिक्तियों को उस श्रेणी के उम्मीदवार से भर्ती करेंगे। जब एक विश्वविद्यालय को आरक्षण के लिए इकाई के रूप में लिया जाता है तो 200 पॉइंट रोस्टर को जो है उपयोग करेंगे। फिर देखो मैंने आपको ये करेंगे मतलब यहाँ सेल है, सेल का मतलब आपको लिए मैंडेटरी है, आपको ये करना ही करना है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, मैं जैसी स्थिति नहीं है। अब हम आगे जो बात करेंगे उसमें रोस्टर प्रणाली की जो गणना है उसके बारे में हम आप कुछ लोगों की क्वेरीज थी उस पर बात करेंगे, और इसमें हम पाएंगे देखेंगे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये इसको गणना कैसे हो सकती है। दोनों प्रणालियों के लिए एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित सीटों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत के साथ कैडर की शक्ति को गुणा करके निर्धारित करेंगे। प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत इस प्रकार होगा, जैसे एससी एसटी है, एसटी का सेंटर में जो है वो 7.5% है, एससी है 15% है, ओबीसी है 27% है, ईडब्ल्यूएस है 10% है। यदि भरी जाने वाले पदों की संख्या 200 है तो एसटी के लिए प्रतिशत जो है ये होगा, और इसको हम उस वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या की गणना के लिए निम्न सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और वो जो सूत्र होगा जैसे आरक्षण 100 से परे जाने के लिए आवश्यक पदों में जो है आप ये इस तरह का ये फार्मूला लेंगे कि ये आपका जो है 200 पॉइंट रोस्टर है इंटू 7.5 / 100, ये 15% हो गया आपका। इसी प्रकार 200 पदों की के लिए एक संवर्ग में एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 15 होगी। समान सूत्र का उपयोग करते हुए एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 30 है और ओबीसी 54 और ईडब्ल्यूएस 20 है। ये कैसे है इसको मैं और आगे वाले जो है उसमें स्लाइड में क्लियर करूंगा। आप देखेंगे तो ये जो रिजर्व जो सीटें हैं इन सीटों का जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए रोस्टर सिस्टम में प्रत्येक आरक्षित सीट की स्थिति निर्धारित करने के लिए 100 को प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षण के प्रतिशत के से विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए ओबीसी का कोटा 27% है, इसलिए 100 × 27.7 मतलब ये आपका उसका रिजर्वेशन की एक पोस्ट का रेशियो आ रहा है, अर्थात कैडर में जो है आपकी जो चौथी जो पोस्ट है वो सेंटर के हिसाब से जो ओबीसी की जो पोस्ट होगी वो चौथी होगी। ये इसका ये फार्मूला उसको कैलकुलेट किया है। इसी तरह एससी की लगभग 7वीं पोस्ट है और एसटी के लिए 14वीं पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10वीं पोस्ट है। आपको जो आप 1 से 10 तक के जैसे मानेंगे तो ये आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये 10 आपने ये चीज़ें वो रोस्टर पॉइंट बना दिए तो ये पहली आपकी ओपन हो गई, दूसरी ओपन हो गई, तीसरी ओपन हो गई, चौथी जो है वो ओबीसी हो गई, पांचवी ओपन हो गई, छठी जो है आपकी ओपन हो गई, सातवीं आपकी एससी हो गई, आठवीं आपकी जो है ओबीसी हो गई, नवी जो आपकी जो है ओपन हो गई और दसवीं आपकी ईडब्ल्यूएस हो गई। तो ये इस तरह से आप रोस्टर के रजिस्टर का जो क्रमांक है उसको उस कैटेगरी के हिसाब से भरेंगे। अब आपको ये देखना है कि विभाग और विश्वविद्यालय की प्रणालियों के बीच रोस्टर में आवेदन में क्या अंतर है, तो इसको आप मैंने आपको बताया कि जो सरकार राज्य सरकार में जो है वो जो डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री के लेवल पर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक लार्जर यूनिट को है वो यूनिट मान गएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जो है यूनिवर्सिटी को मानेंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी कॉलेजेज की ऑटोनोमस स्थिति है तो कॉलेज को मानेंगे। विभाग और कॉलेज में प्रणालियों के बीच अंतर को प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के 200 पदों के साथ एक विश्वविद्यालय का एक काल्पनिक उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ,
और इसमें मैंने जो है 9 विभागों को शामिल किया है। क्या ये जो 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर में जो अंतर है, वो उसमें अंतर कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उसको देख सकते हैं? विश्वविद्यालय को इकाई मानने के रूप में कंसीडर करेंगे, इसका जो है आपका पहली बात है जो आपको सुनिश्चित करनी है। इसमें यदि विश्वविद्यालय को आरक्षण के लिए इकाई के रूप में लिया जाता है तो आरक्षित श्रेणियों के लिए कुल पदों की संख्या 119 होगी, अर्थात अनुसूचित एससी के लिए 30, एसटी के लिए 15, ओबीसी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, जबकि अनारक्षित की जो है वो 81 होगी। यह तालिका एक में उल्लेखित है। इन नंबरों की गणना का तरीका कार्मिक और उसके मंत्रालय के आधार पर लिया गया है और उसको हम उसी के आधार पर करते हैं। अब देखिए ये 200 पॉइंट जो रोस्टर है इसको आप देखेंगे तो हमने जो है ये 200 पॉइंट रोस्टर जो है इसको वो कर लिया, ये 200 पॉइंट रोस्टर हो गया आपका। इसमें अगर एससी की जो है तो आपको 30 वैकेंसी हो गई, एसटी की 15 हो गई, ओबीसी की 54 हो गई, ईडब्ल्यूएस की 20 हो गई और ओपन की जो है 81 हो गई। ये 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से हो गई। पर अगर यही व्यवस्था 13 पॉइंट रोस्टर में होती है तो उसकी स्थिति क्या होगी? और यही व्यवस्था जो है यही यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट है, अगर यही डिपार्टमेंट एज ए यूनिट होती है, लार्जर यूनिट की जगह स्मॉलर यूनिट को अगर हम मान लेते हैं तो ये देखिए ये डेटा कैसे परिवर्तित होता है। ये हमने काल्पनिक रूप से 9 विभागों का ले लिया ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे, देखिए यदि किसी विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों को आरक्षण के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में लिया जाता है, आरक्षित श्रेणी के लिए कुल संख्या जो है 101 होगी, अर्थात एससी के लिए 25, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 49 और ईडब्ल्यूएस के लिए 18, जबकि यूआर जो पोजीशन है वो 99 हो जाएगी। और इस तालिका 2 में जो है इसको आप कैलकुलेट करके जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लें यूनिवर्सिटी की जगह आपने विभाग को मान लिया यूनिट तो उसमें जो आपका डेटा कैसे परिवर्तित होगा। देखिए वही 200 पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें मान लीजिए ये डिपार्टमेंट्स के हमने सिंबॉलिक नाम ए बी सी डी एफ जी रख लिया है, ये टोटल। फिर इसमें मान लीजिए कोई ए डिपार्टमेंट है जिसमें 5 पोस्ट है, बी में 13 है, सी में 20 है, डी में 2 है, ई में 50 है, एफ में 10 है, जी में 25 है, एच में 25 है और आई में 50 है। टोटल हो गई आपकी 200। अब आप इसको देखेंगे तो ओपन कैटेगरी में इसके हिसाब से जाएगी तो 5 में से 4 चले जाएगी, 13 में से 8 चले जाएंगी, 20 में से 9, 2 की 2 पूरी चले जाएंगी, 50 में से 22, 10 में से 6 और ये जो है आपकी 99 चले जाएगी, जबकि होनी कितनी चाहिए 81। ऐसे ही एससी का देखेंगे, ये एससी के सारे जो फिगर्स हैं उसको आप चेक करेंगे तो एससी की जो वैकेंसीज है वो 25 होगी, होनी चाहिए कितनी 30, 5 का नुकसान। आप अगर एसटी का देखेंगे तो इनका तो कोई धनी धोरी है ही नहीं, इसको आप देखेंगे तो ये 9 हो जाएगी, होनी चाहिए 15। ये ओबीसी का है, इनको आप देखेंगे ये सब धर्मभीरू बने हुए हैं, इनको अपना एक अलग वो सोच ही विकसित नहीं हो रही है, ये 49 पे आकर के रुक जाएंगे, होनी चाहिए 54। ऐसे ये ईडब्ल्यूएस है, होनी चाहिए 20, होंगी 18। तो ये जो काल्पनिक डेटा है ये हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि इसको आप कैलकुलेशन के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे जो आखिरी जो स्लाइड है उसमें हम आपको ये समअप करते हुए ये बताना चाहते हैं कि आप देखिए आपको अपने हक की जो लड़ाई है उसको ईमानदारी से लड़ना है। और ये जो दोनों जो प्रणाली है 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर, इसमें आप देखेंगे तो दो प्रणालियों के बीच निम्नानुसार होगा, ये बिजनेस को हमने व्यापार आ गया। एक और जब विश्वविद्यालय को इकाई के रूप में लिया जाता है तो इस बात की संभावना होती है कि कुल विभागों में केवल आरक्षित उम्मीदवार होंगे और केवल अनारक्षित उम्मीदवार होंगे। हालांकि जब एक विभाग को एक यूनिट के रूप में लिया जाएगा तो विश्वविद्यालयों के भीतर कुल आरक्षित पदों की संख्या में कम होती है। तो ये अपने अपने उसमें लॉजिक है और आपने जो आपकी क्वेरीज थी उसके बेसिस पे ये इस तरह जो व्याख्यान था हमने आपके सामने रखा। अगर आपकी इससे जुड़ी हुई और भी कोई क्वेरीज है तो आप उसको हमें सोशल मीडिया पे लिखिए, आप ला करके उनको आलोकन अकेडमी या
मूकना एक मीडिया है जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम इसको लेकर के आपके सामने आए हैं, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये आप सब्सक्राइब करेंगे अगर तो आपको सारी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी मिल जाएगी। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए या फिर आप आलोकन अकेडमी का जो वो है उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप पर्सनल मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं, पर मेरा सिर्फ़ और सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अधिकारों के लिए जगिए, आप सोते मत रहिए। आपकी नींद से आप निकलेंगे तो आपके हितों का संरक्षण होगा, पीढ़ियों को फ़ायदा मिलेगा, और आप आज कोई लाभ गंवा देंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी उन लाभों को गंवा देगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास के लिए अगर ज़रूरत होगी तो हम फिर एक कोई नई क्लास लेकर के आएंगे जो आपकी क्वेरीज के बेसिस पे आधारित होगी। धन्यवाद।